खुशी फैशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा 24 कमर के हिसाब से पैंट का कटिंग कैसे होता है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे 26 कमर के हिसाब से पैंट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम मार्किंग करेंगे और इसके बाद यहाँ पर बेल्ट जितना भी हमें रखना है वो हिसाब से यहाँ पर बेल्ट का एक्स्ट्रा रखेंगे। तो बेल्ट हम 1 इंच का नॉर्मल बेल्ट रखते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 इंच रखा हुआ है और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 36 की लेंथ है। तो यहाँ पर एक 36 पर एक मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग 38 पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक साथ दोनों मार्किंग कर लिए है। इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट का 1 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसका जो आसन है वो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि यहाँ पर हमें हिप्स जितने भी है उससे 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी हिप्स है वो 32 है, तो यहाँ पर 8 इंच आसन की लंबाई होगी और इसके बाद यहाँ पर घुटना जो है वो 15 इंच का है। तो इसकी जो लेंथ है वो 20 पर आएगी, तो 20 पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर अब सबसे पहले हम कमर इसकी देखते हैं, तो 26 है तो उसका 4th पार्ट और उसके बाद 1 इंच टक्स के लिए और 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। और इसके बाद इसकी जो थाई है वो हम देखेंगे, तो इसकी जो थाई है 22 है, तो 22 के उसका 1/2 करेंगे तो यहाँ पर 11 होगा। तो 11 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से 11 इंच रखेंगे और एक मार्किंग यहाँ पर करेंगे और दूसरा मार्किंग यहाँ पर 1.5 इंच पर करेंगे। तो ये जो दूसरा मार्किंग हमने किया हुआ है वो मार्किंग आसन के राउंड के लिए है। और अब यहाँ पर हमें इसका जो मार्किंग है वो हमें मिडिल का मार्किंग एक कर लेना है। तो यहाँ पर 11 का 1/2 इंच 5.5 और यहाँ पर भी 11 हम रखेंगे और यहाँ पर भी उसका 5.5 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो मार्किंग है वो टक्स के है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत सारे मार्किंग हो गए हैं। तो वो हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो मार्किंग है वो टक्स का है। और टक्स की जो लंबाई है वो 3 इंच की रखेंगे, तो यहाँ पर 3 इंच पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अगर मार्किंग करना है तो कर सकते हैं, वरना हमें पता चल जाता है कि 3 इंच का मार्किंग है। तो यहाँ पर घुटने का जो मार्किंग करने से पहले इसका मिडल कर लेंगे, तो 5.5 इंच पर एक मिडल करेंगे और मिडल करने के बाद यहाँ पर ये जो मार्किंग है वो दोनों मिला लेंगे आसन का। तो ये जो आसन का मार्किंग है वो दोनों ही हमने मिला लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम इसका जो राउंड है वो देंगे। तो राउंड ये वाला जो कर्व आपके पास अगर है तो इससे भी आप राउंड दे सकते हैं, और पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल दिया था वो हिसाब से भी आप, अगर कुछ भी टूल्स आपके पास नहीं है राउंड के लिए तो आप वैसे भी मार्किंग कर सकते हो सिंपल राउंड। तो अब हम यहाँ पर इसका जो घुटना है वो देखेंगे, तो 15 इंच है, तो यहाँ पर जो मिडल का मार्किंग है वहाँ से 7.5 15 का 7.5 होता है और उसके बाद 15 का 4th पार्ट करेंगे, 15 का 4 पार्ट करेंगे तो यहाँ पर 4.25 इंच जितना हुआ। तो ये जो मार्किंग है वो हमने घुटना के मार्किंग जो है वो परफेक्टली कर लिए है। अब हम यहाँ पर मोरी का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले हम मिडल का मार्किंग करेंगे। तो ये मिडल का मार्किंग करने के बाद यहाँ पर इसकी जो मोरी है वो 11 इंच है, तो यहाँ पर 11 इंच का 5.5 इंच होता है। कहीं पे भी लूजिंग जो है वो कहीं पे भी हमें नहीं छोड़ना है, लूजिंग के हिसाब से जो भी लूजिंग होगा वो हम बैक साइड में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कहीं पे भी लूजिंग नहीं है, जो भी मेजरमेंट हमारे पास है वो मेजरमेंट से यहाँ पर कटिंग कर लेना है। मेजरमेंट लेते समय ध्यान रखना है कि ये जो लूजिंग के साथ में मेजरमेंट लेंगे
जितना भी घुटना लूज पहनते हैं उतना ही घुटना है वो हम मेजरमेंट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये वाली जो स्केल है वो स्पेशल पैंट कटिंग की है, तो यहाँ पर ये वाली आप स्केल यूज़ कर सकते हैं कटिंग करने के लिए। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये इस तरीके से स्केल हमें रखनी पड़ेगी और इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। तो ज़्यादातर हमें स्केल की ज़रूरत फ्रंट साइड में ही होगी, क्योंकि फ्रंट वाला जो भाग है वो एकदम परफेक्टली कटिंग होना चाहिए। अगर आगे वाला जो भाग है वो परफेक्ट कटिंग होगा तो पीछे वाला भाग एकदम परफेक्ट कटिंग हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे वाला जो पार्ट है वो हमने परफेक्टली ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम इससे यहाँ से कट कर लेंगे। वाला जो भाग है वो हमने परफेक्टली कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर हम 2.5 से 3 इंच जितना बैक साइड जो है वो बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड जो है वो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। अब ये जो मार्किंग है वो हमें मिला लेना है, यहाँ पर ये वाला मार्किंग हम मिलाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा मार्किंग है वो हम यहाँ से क्रॉस में लेंगे। तो यहाँ से ये जो हिस्सा है पैंट का यहाँ से बराबर रखेंगे और इस तरीके से क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। और ये जो सिलाई के लिए हमने मार्किंग किया हुआ है वो हमने क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1.5 इंच ये जो है वो रखा था, लेकिन ये जो थोड़ी सी मेजरमेंट थोड़ा बड़ा है तो इस हिसाब से यहाँ पर हम 1.25 इंच रखेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग किए हुए है वो सारे के सारे 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो उसके बाद क्योंकि इसमें हमने लूजिंग भी कहीं पे भी नहीं छोड़ा है, सिलाई के लिए भी कपड़ा चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पर बैक साइड में हम 1.25 इंच रखेंगे। तो उसका जो है वो डबल होगा, दोनों तरफ 1.25 1.25 इंच का हो जाएगा, तो वो इतना जो है सिलाई के लिए काफ़ी है और पेंट जो है वो परफेक्ट फिटिंग में बैठेगा। तो ये वाला जो मार्किंग है वो हमने एक्स्ट्रा इतना किया हुआ है, तो वो हिसाब से ही हम जब भी कटिंग करेंगे तो वही हिसाब से कटिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो बड़ा है, तो इसमें हमें खास ध्यान रखना है कि जितना भी लूजिंग का छोड़ना है वो यहाँ पर हम छोड़ेंगे और यहाँ पर जो है वो लेवल एकदम परफेक्ट रखेंगे। तो ये जो पेंट है वो ड्राफ्टिंग कटिंग एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हो कि अगर जो भी कमर आपकी है वो हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। तो हमने 24 और 26 की कटिंग ऑलरेडी बता दी है और आगे वाले वीडियो में आपको सीखने के मिलेंगे कि 24 से लेकर 46 की लंबाई के हिसाब से यहाँ पर कैसे कटिंग होता है। तो यह था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।